चिकन ग्रेवी, आप देख सकते हैं हमने ओनियन छीला हुआ ओनियन ले लिया है। अब इसमें आधा पानी डालेंगे हम, तो पानी डाल दें हम, देख सकते हैं करने जा रहे हैं। देख सकते हैं ये ब्लैक पेपर, ये इलायची, और एक क्लॉव, ये बेलीफ, ये स्टार फूल, ये मराठी मूव, ये सिनेमन स्टिक, देख सकते हैं ये मसाला का अभी हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। देख सकते हैं हमने ऐड कर लिया। अभी इसको हम ऑन करेंगे इसका गैस। देख सकते हैं हमने गैस ऑन कर लिया है। बॉइल करेंगे, उसमें हम हल्दी, टर्मरिक ऐड करेंगे, और टेबल स्पून टर्मरिक ऐड करेंगे हम। अभी इसको उबलने देंगे। तो आप अभी हमारा हो गया है, हमने बॉइल हो गया है। अभी इसको हम ठंड करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। जब हम पेस्ट कर रहे हैं देख सकते हैं रेडी हो गया है, पेस्ट कर लिया। अभी इसको तड़का मारेंगे। हमने देख सकते हैं आप तेल डाल दिया है, 1 लीटर तेल डाला है, और हमने खड़ा मसाला डाला है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, देख सकते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं। अभी इसको थोड़ा भुनेंगे ब्राउन होते टाइम, उसके बाद हम डालेंगे इसमें रेड चिल्ली पेस्ट। पेस्ट आप देख सकते हो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट ब्राउन हो चुका है। अभी हम ऐड करेंगे चिल्ली पेस्ट, रेड चिल्ली पेस्ट, देख सकते हो आप। और हम भी इसको भी थोड़ा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे क्योंकि ये कड़वा फ्लेवर आ जाएगा फिर ग्रेवी में। आप देख सकते हो कितना अच्छा रेड कलर आ रहा है, देख सकते हो आप, देख सकते हो बबल्स आ रहे हैं इसमें। अभी हम ऐड करेंगे इसमें ग्रेवी डालेंगे अभी इसके ऊपर। थोड़ा सा पतला करेंगे क्योंकि इसको पका लेना है 1-2 घंटे, इसलिए इसको थोड़ा सा हम
मसाला करी है। अभी इसमें हम तड़का मारेंगे, ऊपर से मसाला डालेंगे। तो गाइस अभी हम डाल दें गरम मसाले, ये गरम मसाला। अभी हम ऐड करेंगे हल्दी, उसके बाद हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, देख सकते हैं धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट, देख सकते ज़्यादा सॉल्ट ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे हम ये धनिया पाउडर। अभी हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, देख सकते हैं आप। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया। अगर हम इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डाला तो आपका वो एक जगह में इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए हमने पानी में डाल के मिक्स करके अभी डाल रहे हैं इसको। आप देख सकते हो, देख सकते हो हमारा ग्रेवी उबल चुका है। अभी इसमें ऐड करेंगे हम जो मिक्स किया हुआ मसाला, इसको हम अच्छे से फुला लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे बटर, देख सकते हो बटर ऐड करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी, देख सकते हो अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसको अच्छे से उबाल के उबालने देंगे हम, क्योंकि हमारा ग्रेवी रेडी हो चुका है। अभी इसको अच्छे से 2 घंटे पकाने के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मेरे वीडियो को देखते रहना और लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू सो मच।